जी 24/7 देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर में दोहरी हुकूमत जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में थी तो कई सारे ऐसे जो है विकल्प लिए गए थे, और हमेशा जो सरकार ये वादा करती है कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करेंगे। इस वक्त हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में है और मेरे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन है पार्टी को, नेशनल जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ जी, जिनका यह दावा है कि दोहरी हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं कश्मीरी पंडितों के घर जो है तोड़ दिए गए, ना उनको मुआवजा मिला गया, जबकि उनके साथ ये वादा किया गया था मुआवजे के साथ साथ रोड वाइडिंग की जाएगी, ये दावा कर रहे हैं संजय सराफ जी। संजय जी, आप बड़ा दावा कर रहे हैं, दोहरी हुकूमत तब था नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आप ये दावा कर रहे हैं, काफी समय बीत गया है, ये खबर आप सामने आई और ये दावा लेकर आप आए हैं, जानना चाहूंगा क्या बात है और आज इतने टाइम के बाद आप इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्या सोर्स है इस बात का? नहीं, क्यों, मैंने तो हर वक्त इस पर बात की है। मैं उस वक्त में भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर था, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, 8 से 14 के बीच में, तब भी हमने बात की। जब उनकी ऑनरेबल एमएलए साहिबा थी हवा कदल में, जिसने ये सब मकान तोड़वा दिए हैं, बीइंग एन एमएलए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बोले कि डीसी ने उठाया, उसने कराया, लेकिन आई नो आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन, जो एमएलए जिस एरिया का होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितने भी लोग वहां पर रहते हैं उनकी किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज को देखा जाए, उनको संभाला जाए। बट उन्होंने ये सब प्रूफ है मेरे पास, ये देखिए ये सब प्रूफ है आपके पास में। तो आप बताइए, आपका मकान है, आप 100 साल भी मकान में नहीं गए, मैं तो माइग्रेशन की बात भी नहीं करता हूं, आप 100 साल भी मकान में नहीं गए, गवर्नमेंट को या मेरे को क्या हक बनता है भाई उस मकान को तोड़ के मैं दुकान बनाऊंगा? हाई लेवल मीटिंग किसकी प्रॉपर्टी पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे आप? तो मैं चाहता हूं इसमें ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, एनआई की कार्रवाई होनी चाहिए, जितने भी रोड वाइडनिंग के नाम से उस वक्त में प्रपोजल्स आए, प्रोसेस स्टार्ट की है, अगर रोड वाइडनिंग के खिलाफ है, हम लोग कोई भी नहीं है रोड वाइडनिंग के लिए, हम लोग डेवलपमेंट के विकास के साथ लिए हर जगह खड़े हैं, लेकिन रोड वाइडनिंग राइट साइड में थी, लेफ्ट साइड में रोड वाइडनिंग था, राइट साइड के बीच में मकान उठाए गए क्योंकि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे, और उसके साथ में कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के भी मकान उठाए गए बीच बीच में, उनको पैसा दिया गया, जो मकान की वैल्यू उसकी अगर उस वक्त 4 लाख रुपए थी उसको 20 लाख दिए गए, 25 किसका पैसा है वो, और क्यों दिया गया, किस बेस पर दिया? इसलिए मैं चाहता हूं जो भी जितने भी रोड वाइडनिंग 2008 से लेकर 2014 तक तो मेनली, उसके बाद 19 के बीच में, क्योंकि एमएलए साहिबा तो वही थी, 14 से लेकर 19 के, 2008 से लेकर 19 के बीच में जितनी भी रोड वाइडनिंग हुई है हबा कदल, पर्टिकुलरली हबा कदल एरिया में, उस सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन में जिसको पैसा मिला है उनके साथ भी ईडी के माध्यम से, एनआईए के माध्यम से उनको पूछा जाना चाहिए कि आपको अगर पैसा मिला, कितना पैसा मिला, क्यों मिला, अगर आपका लैंड इतना था आपने क्यों, और जितने कश्मीरी पंडितों के मकान है, ये देखिए आप, ये 20 मकान है, ये 20 मकान में एक हाई लेवल ऑक्शन, ऑक्शन ऑफ कश्मीर, कैसे आप प्रॉपर्टी का ऑक्शन करोगे किसी कश्मीरी, कोई भी हो, एबीसीडी हो, उसने अपनी प्रॉपर्टी रखी, वो दिल्ली जम्मू मद्रास कर, अब मैं यहां पर लॉक करके जाऊंगा, मैं 6 महीने बाद आ जाऊंगा तो 5 महीने में मेरे घर का ऑक्शन होगा, ये तो अंधा कानून की तरह वो लोग रूल कर रहे थे, और वो लोग कहेंगे कि हमने विकास किया, डेवलपमेंट किया, इन लोगों की वजह से, जो ये एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की वजह से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स की वजह से, पर्टिकुलरली एमएलए हबा कदल की वजह से पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरी पंडित हर जगह बेचारा चला रहा है, क्योंकि उसका घर गया ना, वो भी गलत नहीं है, वो कह रहा है मेरा घर जी मुसलमानों ने लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता ये किसी मुसलमान ने नहीं लिया, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए ने कांड किया है, जिसकी कयादत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं, जो अपने आपको बहुत सेक्युलर कहते हैं, अभी मंदिरों में आजकल पूजा करते हैं, कल भी एक जम्मू के मंदिर में पूजा कर रहे थे, अच्छी बात है, एक पॉलिटिकल लीडर को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा समान होता है, लेकिन पूजा से पहले ये पूजा तो करो, किसी के घर को आप बेच रहे हो, आपकी पार्टी के लीडर आप उसके साथ में खड़े हो, आपके वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है वो, आप इसके अगेंस्ट में कार्रवाई करिए डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब, तब हम देखेंगे कि आप जो कहते हैं कि हम लोग सिकुलर है, 10 साल पहले की ये बात है, 10 साल के बाद आप सामने, हमने हर वक्त उठाया, हर वक्त उठाया, अब मेरे पास एक्शन लिया गया, अभी तक देखिए एक्शन अगर हुआ होता तो मैं आज फिर क्यों उठाता, इसलिए हम चाहते हैं ईडी से, एनआईए से इसके ऊपर प्रॉपर रेड की जाए, जो जो इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो। बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जब उनकी हुकूमत यहाँ पर बनी थी 10 साल पहले,
ऐसे ही जो है संजय जी का कहना है कि इन्होंने कुछ धांधलियां की है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी की गई है। ईडी और एनआईए की जांच की मांग भी कर रहे हैं संजय जी, और जो भी सच है वो सामने आए। अब इस मजीद इसमें कितना सच है, क्या है और क्या सामने निकल कर आएगा, आने वाला समय बताएंगे। प्रूफ के साथ ये इनका दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धांधली की है। बाकी अपडेट्स के साथ बने रहे जेके 24/7 के साथ।